की एक इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। देवबंद रैली में मायावती के भाषण को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं से सवाल पूछा कि आखिर वो मायावती के इस भाषण पर चुप क्यों हैं। योगी ने कांग्रेस एसपी बीएसपी पर तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगाया। योगी ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन 2014 से भी बेहतर होगा। आपका स्वागत है जी न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, विकास के मुद्दे पर तो आप लोग चुनाव लड़ ही रहे हैं, इसके अलावा ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जो इस बार इस लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर मुद्दा तो विकास का ही है। मोदी जी के नेतृत्व में 5 वर्ष के अंदर जो उपलब्धियां इस देश ने हासिल की हैं, इन उपलब्धियों को लेकर के और अपनी भावी योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव में है, विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद, ये हमारा मुद्दा है। लेकिन जो लोग विकास में विश्वास नहीं करते, सुशासन में विश्वास नहीं करते, राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करते, वे लोग जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की किसी भी ऐसे कुत्सित चेष्टाओं को ये देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश के अंदर एक माहौल है, एक कॉमन मैन प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को फिर से चाहता है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर, 5 वर्ष के उनकी उपलब्धियों के बल पर इस चुनावी मैदान में है और हमें जो देश के अंदर रुझान देखने को मिल रहे हैं, मैं उस रुझान के बल पर कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी 2014 से बेहतर प्रदर्शन करेगी। योगी जी, मायावती के बयान के बाद एक रैली में आपने एक बार फिर बजरंग बली का नाम डाल दिया। एक बार आपने राजस्थान विधानसभा चुनाव में लाया था, एक बार आप लाए। विपक्ष अब ये कह रहा है आपके ऊपर, जैसा कि आपने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हमने नहीं कहा। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वे लोग कर रहे हैं जो कहते हैं कि देश के अंदर देशद्रोह की धारा समाप्त कर देंगे। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में सेना को दिए गए विशेष अधिकारों को समाप्त कर देंगे, या जो अपने नामांकन जुलूस में हरे रंग का झंडा ले जाकर के, चांद सितारे का झंडा ले जाकर के प्रकांड चुनाव जीतना चाहते हैं, या जो सरेआम मंचों से इस बात की वकालत करते हैं कि हम लोग हर हाल में हमें मुस्लिम वोट चाहिए, वह सांप्रदायिकता की राजनीति वो कर रहे हैं। मेरी आस्था है, मैं बजरंग बली पे विश्वास करता हूँ, उनके प्रति आस्था व्यक्त करता हूँ। मेरी आस्था मेरा अधिकार भी है और मुझे अपने अनुसार उसे चुनने का अधिकार भी है। मुझ पर कोई अपनी आस्था थोप नहीं सकता। स्वाभाविक रूप से हर हिंदू बजरंग बली को मानता है, जिसकी मर्जी बजरंग बली को माने, जिसकी मर्जी ना माने। मुझे लगता है हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन जो सरेआम मंचों से इस बात की वकालत कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट उन्हें मिलना चाहिए, अगर मायावती कहे कि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए तो वह सेकुलर, और अगर कोई भाजपा का कार्यकर्ता कहे कि हमें हिंदू वोट चाहिए तो हम कॉमनर, ये नहीं चल सकता। क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अली और बजरंग बली के नाम पर बंटवारा हो रहा है इस बार चुनाव। देखिए, चुनाव का ध्रुवीकरण तो स्वाभाविक रूप से होगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो और गठबंधन की खिसियाट इस चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए बाध्य कर ही देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक अराजकता, गुंडागर्दी, दंगे, इन सब से मुक्ति हमारी सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिया है। स्वाभाविक रूप से हर अमन चैन पसंद व्यक्ति, हर सुरक्षा के प्रति आग्रही व्यक्ति, पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी उसकी होती है। लेकिन योगी जी, जो सपा बसपा का गठबंधन बना है, ये जातीय समीकरण पर काम कर रहा है, इस
इसका एक ट्रेलर हमें गोरखपुर और फूलपुर में भी देखने को मिला। इस बार आप दावा कर रहे हैं गोरखपुर और फूलपुर जीतने का, क्या प्लान है, कैसे जो दो उपचुनाव हुए थे उसको आप लोग इस लोकसभा चुनाव में काट? देखिए, लोकसभा चुनाव जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन में व्यक्ति प्रधानमंत्री पद को देखना चाहता है। प्रधानमंत्री पद पर मोदी जी देश की पहली पसंद है, उत्तर प्रदेश की भी देश की भी पहली पसंद मोदी होने के नाते मोदी जी के पक्ष में व्यापक समर्थन हर व्यक्ति देना चाहता है। उपचुनाव प्रत्याशी और लोकल समीकरणों पर तय होते हैं। जनता पहले ही खारिज कर चुकी है सपा बसपा के गठबंधन को, कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर व मोदी जी के काम पर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 74+ के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगी। मायावती के बयान को लेकर बेहद ही तल्ख लहजे में योगी आदित्यनाथ ने अब विपक्षियों से इस पर जवाब मांगा है।